أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم إن الله لا يأمر بالفحشاء. Respected viewers and listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Do ayat maine shuru mein padhi hain. Ek jo thi ye surah Al-Ma'idah, chapter 5, verse number 90. Aur dusra jo tha ye asal mein ek segment tha, tukda keh le beech mein, jo Allah Pak surah Al-A'raf, chapter 7, verse number 28 mein farmate hain, jahan par इब्लीस का और आदम अलैहिस्सलाम का सारा वाक्या चलता है, फिर वो आगे आगे डेवलप होता है, फिर जाके फहशी या फहश के ऊपर कोई बातचीत होती है तो उस पर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ से कभी भी फहश का हुक्म या अमर कहीं नहीं आया, अल्लाह कभी किसी को ये हुक्म नहीं देता। बहरहाल जो मैंने पहली आयत पढ़ी थी वो सूरत अल-माईदा की, उसका मैं तर्जमा कर दूं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वालों, ओ वो लोग जिन्होंने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, बेशक इन्नमल खम्र, बेशक इंटॉक्सिकेंट्स, नशा, ड्रग्स, शराब, इन्नमल खम्र वल मैसिर, और ये जो स्पेक्यूलेटिव मनी है, गैम्बलिंग, जुआ, किसी भी चीज की मैसिर कमाई, वल अंसाब वल अज़लाम, ये बुत परस्ती है जो बुत बना के कुर्बानी करना, सेक्रीफाइस या फिर डिवीनेशन बाय एरोज, ये जो लास्ट टू पॉइंट्स है इस पर मैं भी डिस्कशन नहीं करूंगा, मेरी डिस्कशन है पहले दो पॉइंट्स के ऊपर। रिजसुम मिन अमल शैतानी, ये सारे के सारे जो हैं शैतान के अमल हैं, उसके हाथ के हैंडी वर्क्स हैं। रिजसुम मिन अमल शैतान فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, छोड़ दो, रुक जाओ इन चार चीजों से अगर तुम फलाह चाहते हो। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स एंड लिसनर्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आयत है ना कुरान मजीद में सूरत अल-माईदा की, ये बहुत बड़ी आयत है एक सोशल निजाम चलाने के लिए। अगर इस्लाम का सही सोशो पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम हो तो ये जो आयत है ये बड़ी कॉर्नर स्टोन है, ये एक बीकन है, कितने ना किसी चीज को क्रैंक करती है, इंस्टिगेट के भाई देखो अगर तुमने एक निजाम बना लिया तो उस निजाम के अंदर याद रखना ये चार जो है ना कार्डिनल इवल प्रिंसिपल्स, इनसे दूर हो जाना, इंटॉक्सिकेंट्स, गैम्बलिंग, दिस सेक्रीफाइस बाय altars, डिवीनेशन बाय arrows, ये तमाम चीजें अगर छोड़ दोगे तो तुम फलाह हो, कामयाब हो। और आप देखें कि ईवल, जितने भी ईवल की जो पेरेंटिंग रूट्स होते हैं वो इनसे बाहर नहीं होते, इनमें आ जाते हैं। और नंबर वन जिससे अल्लाह पाक ने फरमाया कि गैम्बलिंग और स्पेक्यूलेटिव मनी, तुक्कबाजी, ये दो जो प्रिंसिपल्स हैं आज पूरे का पूरा वेस्टर्न सिस्टम जो उनका स्केलेटन है, इकोनॉमिकल स्केलेटन है, ये तो पहली जो बातें ना अल्लाह पाक ने फरमाई है उसको उन्होंने चार कार्डिनल इवल प्रिंसिपल्स जो इकोनॉमिक्स के ऊपर है उसकी बुनियाद पे पूरे का पूरा वेस्टर्न सिस्टम चल रहा है। सुभान अल्लाह, तो फिर क्यों ना तकलीफ हो फ्रांस को इस्लाम की, क्यों तकलीफ है कि इस्लाम की सुप्रीमेसी कहीं आ ना जाए, ये क्यों बैंकर्स को इसी जो पीड़ है, वो असल में वो जो है ना कि तकलीफ असल में है यही कि इस्लाम का जो निजाम है कहीं वो ना आ जाए, क्योंकि निजाम हमें नहीं चाहिए। हाँ हमें चाहिए तोते, मीठे प्यारे लोग जो बस सिर्फ बातें करें कि नमाज पढ़ो, ठीक है, अच्छे काम करो, नेकी करो, इनको टीवी पर बिठाओ, ये बड़े अच्छे उलमा हैं, ये बड़े प्यारे भोले भाले मीठे जो सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, किताब कभी नहीं अपनी कोट करेंगे, किताबों में उलमा ने क्या लिखा किसी के बारे में, असल बातें क्या हैं, वो क्या निज़ाम क्या था इस्लाम का, क्या खुल्फा राशिदून का ये अमल थे जो आजकल के लोग कर रहे हैं,
ये सारी जो आप देख रहे हैं ना कि फिजा है, ये इसलिए है क्योंकि उन लोगों को इससे तकलीफ नहीं, तो वो लिहाजा आप लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब प्रॉब्लम कहां आती है, जब कोई शख्स उठ के इस्लाम का निजाम पेश करे और निजाम के पेश करने के बाद इस्लाम की जो असल, जो कहते हैं इंप्लीमेंटेशन, जो उसकी असल इंटीग्रल वैल्यूज, उनके बारे में अगर वो एक्सपाउंड करे, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कहीं लोग जो है मैसेज इस्लाम का सही पिक्चर ना समझ सके। इस्लाम की दो ही तस्वीरें दिखाई जाती हैं आज दुनिया में। पहली कि इस्लाम एक नहायत जो है ना खतरनाक रिलीजन है, मजहब है, ये बहुत डेंजरस है, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये फंडामेंटलिस्ट है। एक तो ये तस्वीर है जो मीडिया दिन रात करता है, भोंगता है कुत्ते की तरह, और ये बस बताई जा रहा है। दूसरी चीज, इस्लाम का वो चेहरा है कि मीठे मीठे, भोले भाले, प्यारे मुसलमानों की तरह, मस्कीनों की तरह, गुलाम करते हैं गुलामों को, गुलामी पर रजामंद और तावीले मसाइल को बनाते हैं बहाना, क्योंकि इनका मसलक ये है कि नाकिस है किताब के, सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के तारीख, खुद नहीं बदलेंगे कुरान को बदल देंगे तावील पे तावील पे तावील पे, ताकि असल इंसान जो है ना वो जो सही सख्त जो शेर था निकल कर सहरा से, जिसे रोम की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है हमने उन कुदसियों से कि वो शेर अब फिर होशियार होगा। वो शेर है, उसको कभी होशियार ना होने देना, बस इनको चलाओ इसी सिलसिले पर। दूसरी जी कैटेगरी ये है कि बस भोले भाले सिंपलटन और उस तरह के लोगों को प्रमोट करो, उनकी अच्छी अच्छी बातों करो, जो हर चीज को फ्लेक्सिबल कर दें, हर चीज को एक ही नारे पे मुद्दे पे वापस घुमा दें, मोहब्बत प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत। पता भी है कि कुरान मजीद में 1400 साल से अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वलन तर्द अंकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, कि यहूद और नसारा तुम्हारे कभी अपने नहीं हो सकते, या उनकी तरह हो जाओ या उनको अपना कर दो, बीच का रास्ता कोई नहीं। जब रब ने फरमा दिया, मुफ्ती आजम अल्लाह सुभान व तआला खालिक उसने फतवा दे दिया, तो फिर तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले कि ये ऐसे नहीं तो वैसे है, वैसे नहीं तो ऐसे है। देखिए, मैं ये जो सारी बात कर रहा हूं इसको गलत ना समझिएगा, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं हेट्रिट फैला रहा हूं या लोगों में कह रहा हूं नफरत करो, ना। ये अल्लाह पाक ने एक प्रिंसिपल बताया, एक नेचर, किसी चीज की नेचर को आप बदल नहीं सकते। अगर ये बात गलत है तो बताओ, कौन सा जो क्रिश्चियन नेशन है इस दुनिया में जो आपसे मुखलिस है, बताओ कौन सी यहूदी नेशन है जो आपसे 1400 साल से मुखलिस है, बताओ ना, हमें प्रूफ दिखाओ, हमें डेमो दिखाओ, हमें डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ, हमें मॉडल दिखाओ, नहीं है ना कोई भी। इसी वजह से अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इनको अपने पेट का राज मत दो, इनको अपनी चीजें मत दो, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती। तो बहरहाल इस्लाम को आज हमने बना दिया वह मगलूब एक मजहब की शक्ल का, बस जिसमें राइट्स और रिचुअल्स हैं, बाकी बालातर पार एक्सीलेंस कोई सोच, कोई फिक्र, कोई आइडियोलॉजी, कोई रोड मैप कुछ नहीं है। और मैं यही अपने अपनी जो बयानात में एक्सेल में लोगों को एजुकेट करता हूं कि इस्लाम को सोचें अब पार एक्सीलेंस लेवल पर, निजाम के एतबार से सोचें और खास और रिचुअल्स और राइट्स के एतबार से सोचें, दोनों दीन के एतबार से इस्लाम को समझें, मजहब के अतबार, क्योंकि असल में प्रॉब्लम सारी वेस्ट को है ही आपके दीन से। आप लोगों को क्यों नहीं ये बात समझ आई आज तक, ये को लाल लगे हुए कुछ जमातों को जो वहां जाते हैं मगरिब में और वहां जाके घूम घुमा के तबलीग तलकीन करके आ जाते हैं, लाल नहीं लगे हुए, माफ करना, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी बहुत मीठी है और उससे कोई तकलीफ नहीं है। जब काफिर को तकलीफ ही ना हो आपसे, तो समझ लें कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, यह बात याद रखिएगा। बहरहाल मौजू की तरफ मैं आता हूं। टॉपिक जो है कि चार जो ईवल कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ द वेस्ट हैं, जो वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चला रहे हैं, ये इकोनॉमिक्स है उनकी, जिससे वो पूरे का पूरा मगरब का ढांचा जो है वो खड़ा हुआ है, वो क्या है, जो ये जो मैंने आयत, जो आयत बल्कि पढ़ी थी, और आयत दूसरी मैंने इसलिए पढ़ी थी ताकि बताएं कि अल्लाह पाक कभी भी फहशी का या फहश का हुक्म नहीं देते। तो जितना भी अमल, जितने भी अमल जो हैं, जो फहश प्रमोशन से किए जा रहे हैं, सब हराम है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं। जो चीज अल्लाह की तरफ से नहीं है वो ऑटोमेटिकली शैतान की तरफ से है। ये जितने हमारे खासतौर पर पाकिस्तान में जो ड्रामे, जो मूवीज, जो स्टार्स और ये जो वानाबीज और कॉपी कैट जो अपनी अखलाकियात भूल के ये बेशरम
जिनके अंदर हया नाम की चीज मर गई, ये सारी उठ के जो आजकल ये जो प्रोग्राम्स करते हैं, अवार्ड शोज करते हैं, और तुम लोग जो है उन गाय के पेशाब पीने वालों की नकल करते हो। कोई अपने अंदर हया पैदा करो। फातिमा अलैह, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनकी कोई निस्बत या उनकी तरफ कोई जाओ तवज्जो करो कि देखो तुम्हारी जो उम्मुल मोमिनीन, जो तुम्हारी माएँ थी वो क्या थी। कुछ शर्म करो, हया करो, किस तरफ जा रहे हो। नबी का कलमा पड़ा हुआ है, या तो बोल दो कि जी हम लोग तो इस्लाम मुस्लिम है ही नहीं, चलो ठीक है फिर जो मर्जी करो, लेकिन इस्लाम को ऐसे शो करते हो, ड्रामों में ऐसे दुपट्टे लेते हो, ड्रामों में ऐसे बन जाते हो, इस्लाम की वैल्यू शो करते हो, और बाहर जाके नंगे लिबास पहन के उन गांव के मूत्र पीने वालों की नकल करते हो और अपने आप को समझते हो कि बहुत बड़े स्टार्स हैं। लानत है ऐसी जिंदगी पे जो काफिरों के ऊपर आपको नकल करने पे मजबूर कर दे, या उनको आइडल या हीरो से हीरो वर्शिपिंग पे मजबूर कर दे। तो जितने चीजें फहश गंदी और यानी चीजों पे ऊपर कमाई की जाए वो सब हराम, उसके सब अमल हराम इस्लाम के अंदर। तो बहरहाल चार इवल कार्डिनल प्रिंसिपल जो वेस्ट चल रहा है, जो आज वो मुसलमानों की तरफ आ रहा है। नंबर वन, सबसे पहले जो मगरबी तहजीब के अंदर जो इकोनॉमिक ढांचा है, नंबर वन वो क्या है, इंटॉक्सिकेंट्स। अल्लाह पाक ने पहले हथौड़ा मारा, इन्नमल खमरु, ये हथौड़ा पड़ा, इस्लाम आया तो सबसे पहले हथौड़ा इंटॉक्सिकेंट्स। नबी पाक से फरमाया व्हाट्स एवर इंटॉक्सिकेट्स यू इन स्मॉलर क्वांटिटी और बिगर क्वांटिटी, इवन फॉरबिडन इन बिगर क्वांटिटी। कर्स्ड इज ही हु ब्रू द ग्रेप्स, कर्स्ड इज ही हु ब्रू द ग्रेप्स, कर्स्ड इज ही हु बॉटल्स इट, कर्स्ड इज ही हु सेल्स इट, एंड कर्स्ड इज ही हु बाइज इट। And there is total no imbibing of alcohol in Medina after this verdict of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Never to be refilled the barrels of wine, alcohol, etc. So, number one, unki tehzeeb chalti hai kisse? Intoxicants. Uske andar aap kya lein? Sharab, hard liquor, soft liquor, beer, वीड, मरीजवाना, whatever, कोई भी चीज आप नाम ले लें, जो भी उनके हाँ है अल्लाह जानता है भाई, ये सारे काम वो जो करते हैं हराम, उनका सारा ढांचा चलता है शराब। नंबर टू, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग के अंदर राफल टिकट्स, फिर आप कह लें इलेक्ट्रॉनिक गैम्बलिंग, नंबर डालो या फिर कार्ड ले लो, कार्ड को स्क्रैच करो अंदर से, शायद तुम्हारे कुछ डॉलर्स निकल जाए। ये सारी गैम्बलिंग, बॉन्ड्स, ये राफल टिकट्स, ये सारे का निजाम जो लास वेगास में खेला जाता है, कैसीनोस, ये तमाम हराम। अल्लाह पाक ने एक वहीं पे हथौड़ा मार दिया। वल मैसर, ये सारी स्पेक्यूलेटिव मनी, ये सारी कमाई जो बैठ के तुम खाते हो और तुम कुछ नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते और पैसा तुम्हारी जेब में आता है, ये सब हराम। इसको मैसर की कमाई कहते हैं। और मैं भी इस टॉपिक पर आना ही चाहता, जो कैपिटलिज्म निजाम में जो बड़े बड़े ओहदे पे लोग बैठे होते हैं ना, जो कुछ नहीं करते, साइन करते हैं और पैसे ले लेते हैं, सबसे ज्यादा पूरी जो हायरार्की के अंदर सबसे ज्यादा पैसा उनको जाता है। याद रखिएगा, ये सब इस्लाम के अंदर जायज नहीं है, लेकिन मैं इस पर भी जाना नहीं चाहता। तो ये दूसरा जी कार्डिनल प्रिंसिपल है। तीसरा, फहाश, तमाम लिबिडोज, तमाम वो चीजें बनाओ जिससे इंसान की जिंसी जो है ना वैल्यूज को भड़काया जाए और उसे कमाई की जाए, जो मैंने आर में इन्नल्लाह ला यअमुरु बिलफहशा, और ये तमाम वो अमल करते हैं जिससे वो कमाई की जाए। वो फहश मूवीज बनाओ, फहश मीडिया प्रमोट करो, फहश एंटरटेनमेंट प्रमोट करो मूवीज के जरिए, फलानी चीज के जरिए, कि इंसान की मत मार के रख दो। ये जीत का जी तीसरा, तो पहला इंटॉक्सिकेंट्स, दूसरा गैम्बलिंग, तीसरा लिबिडोज ऑफ ऑल इमोडेस्ट, ये डर्टी थिंग्स, वाहियात, फहश सबसे फैलाओ, और चौथी चीज है इंटरेस्ट। तमाम लोगों की गर्दनें पकड़ लो इंटरेस्ट के नाम से, और इनको बैंकिंग सिस्टम से जकेड़ लो, इनको अमेरिकन ड्रीम दिखाओ, इनको यूरोपियन ड्रीम दिखाओ, और इनको खत्म कर दो इनकी कब्र तक। ये चार ईवल प्रिंसिपल्स हैं चल रहा है, और ये चारों के खिलाफ इस्लाम का दीन खड़ा है, मजहब नहीं। इसी वजह से आज इस्लाम के दीन से तकलीफ है। नबी पाक ने फरमाया कि
जो कौम सूद की बुनियाद पर खड़ी हो जाती है उसका जो अंजाम होता है वो सिर्फ होता है फकर, और जो कौम रिश्वत की बुनियाद पर खड़ी होती है उसका अंजाम होता है खौफ। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो इकोनॉमिकल स्टेटमेंट है जो इंसान कभी भी आज तक समझ नहीं सका, और जो समझे तो वो बहुत लेट हो गए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले फरमा दिया था, मा मिन कौमिन यज़हरु फीहिम अर रिबा, जिस कौम ने रिबा खाया खड़ी हुई, इल्ला उखिज़ु बिस्सनती, वो भूखी नंगी, वमा मिन कौमिन यज़हरु फीहिम अर रुशा, और जिस कौम ने रिश्वत के बुनियाद पर सारा कुछ किया, इल्ला उखिज़ु बिर्रौब, उनके अंदर खौफ डर और ये चीजें पैदा हो जाएगी, भूखी नंगी और डरपोक कौम। यह हमारे नबी का फतवा है, और ये चार इवल कार्डिनल प्रिंसिपल्स है जिसके बारे में आपको बताना था। इन चार कार्डिनल प्रिंसिपल पे हमारे नबी ने और अल्लाह पाक ने वो हथौड़ा मारा है जो आज तक इनको डर पड़ा कि इस्लाम का कहीं वो निजाम ना आ जाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।